मुझे सब पता है, तू क्या करना चाहता है। अरे अम्मी, क्या गलत कह दिया हमने? एक बात बताओ, अच्छा खासा लड़का है वो, खुद की चक्की है उसकी, खुश रखेगा हमारी रुबैया को, देख लेना। बहन की खुशी की इतनी फिक्र होती तो 50 साल के बुढ़े का रिश्ता न लेकर आता तू। अभी उसकी अम्मी जिंदा है उसका ख्याल रखने के लिए। अरे तो कब तक जिंदा? अरे अम्मी समझने की कोशिश करो, घर के हालत पता है ना क्या है हमारे, देख नहीं सकती है वो, कोई लड़कों की लाइन नहीं लगने वाली यहाँ पे उसके लिए। देखना मैं उसका निकाह ना। भाईजान आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं कभी भी आप पर या भाभी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। रुबैया तू तो मेरी जान है, बोझ थोड़ी ना। ऐसे जबरदस्ती निकाह नहीं करवाऊंगी मैं। देखना मेरी गुड़िया का निकाह नेक ईमानदार फरमाबरदार लड़के से करवाऊंगी मैं। अम्मी क्यों नहीं, एक लड़की जो देख नहीं सकती, जो हूर की परी है, उसके लिए करोड़ों की गाड़ी में आएगा ना लड़का निकाह पढ़ने के लिए। अम्मी ये ख्वाब है तुम्हारा, ख्वाब ही रहने दो। वो ना अल्लाह देखेगा, तू अपना काम कर। आ बेटा आ। अरे होने वाले साले साहब, मसला कहां तक पहुंचा? आमिर भाई बात ऐसी है कि अम्मी और रुबैया से बात की लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। 50 साल के बुड्ढे के साथ तुम्हारी बहन का रिश्ता कैसे हो सकता है? यही ना, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया यूनुस। आमिर भाई ऐसा है कि आप खामखा नाराज हो रहे हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जितनी कर सकता था। मैं अपनी बहन के साथ आपका जबरदस्ती निकाह नहीं पढ़वा सकता, चलता हूं मैं। अरे हमसे क्या शर्माना, हमारी दुल्हन बन के ही तो आ रही हो। तुम्हारे भाई यूनुस से बात हो गई है? गुलरेज कितना सुनना पड़ा हमको तुम्हारी वजह से, पता है? तो ऐसा काम करता ही क्यों है कि सुनना पड़े? गुलरेज आ गई बुढ़िया। ए गुलरेज, अरे खानम आओ आओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। आराम से आराम से। खबर ही ऐसी थी कि अपने आप को रोक नहीं पाई। क्यों, तो भैया को फिर से शादी में गवाना है क्या? अरे गवाएंगे क्यों, हम सब मिलकर गाएंगे। ऐसा रिश्ता लेकर आई हूँ कि मना ही नहीं कर पाओगे तुम लोग। लड़का कौन है, क्या करता है और रिश्ता कहाँ से आया है वो तो बोलो खानम। अरे हजरतगंज के बहुत अमीर खानदानी लोग है, उनका छोटा बेटा है सैयद 35 साल का, पिछले साल उसकी बीवी का इंतकाल हो गया किसी बीमारी की वजह से। खैर बड़ी मुश्किल से वो फिर से शादी के लिए माना है और मैंने अपनी रुबैया के बारे में सब बता दिया है कि बचपन में एक हादसे में उसकी आंखें चली गई है। उन्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना कि रुबैया देख नहीं सकती? ना ना मेरी जान, उन लोगों को कोई ऐतराज नहीं है। रुबैया पिटम अल्लाह ने मेरी सुन ली। सैयद अमीन इब्न तौफीक अमीन, आपका निकाह रुबैया शेख बिनते फैज शेख से टिक्का रायजुल वक्त 51,000 में तय पाया है, क्या आपको कबूल है? जी कबूल है भाई, कबूल है। मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। रुबैया शेख बिनते फैज, आपका निकाह सैयद अमीन इब्ने तौफीक अमीन से सिक्का राइजुल वक्त 51,000 में तय पाया है,
क्या आपको कबूल है? जी कबूल। भाई कबूल है, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या कर रही हो? अभी टकराती? वो मैं इस कमरे की चीजों को पहचानने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आगे जाके ठोकर ना लगे। आओ बैठो। फंक्शन वगैरह से ना बहुत थक गए हो, नींद भी बहुत आ रही है। तुम्हें अगर फ्रेशन अप होना है तो तुम हो जाओ। आपसे एक बात पूछूं, आपको सच में कोई एतराज तो नहीं है ना कि मुझे दिखाई नहीं देता? बिल्कुल सपनों के जैसी शादी थी हमारी, यकीन ही नहीं होता था कि ख्वाब है या हकीकत, बस सब कुछ हकीकत ही था। रुबैया तुम शादी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमीदा अम्मी हमें बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने कभी इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि हम देख नहीं सकते, कि हम लाचार हैं। शाजिया भाभी जो दुलार हमें देती थी वैसा तो कभी हमें अपनी सगी भाभी से भी नहीं मिला। अब्बू और जमील भाईजान वैसे तो हमसे ज़्यादा बात नहीं करते, पर खाने की टेबल पर चुटकुले सुनाकर हमेशा हमें हंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा प्यार और दुलार हमें अब्दुल मामू से मिलता है। जब भी आते हैं मेरे लिए गुड़ की बर्फी जरूर लाते हैं। हमारे शौहर सैयद एक नेक दिल इंसान है, कम बोलते हैं, पर मेरे लिए उनकी मोहब्बत हमें महसूस होती है। कुछ दिनों से शायद परेशान जान पड़ते हैं, उनकी अपने बिजनेस पार्टनर से कुछ कहा सुनी हुई है। अल्लाह से बस यही दुआ है कि सब ठीक हो जाए। सैयद, सैयद कहाँ छिपा बेटा हमारा? अरे क्या हुआ? हाँ ये क्या तरीका है? तू मुझे मेरा तरीका मत समझा सा। एक मिनट केतन, केतन बेटा तुम घर में हो, इतना क्यों गुस्सा हो रहा है? क्या बात? ये सब आप अपने बेटे से पूछिए। इसने मुझसे बिना पूछे कंपनी के अकाउंट से 5 करोड़ रुपए निकाले, वो पैसे मेरे। वरना तुम्हारा और तुम्हारी बीबी का राज सबको बता देंगे। कौन सा सच और क्या बोल रही हैं ये? अम्मी ये केतन कौन से राज के बारे में बात कर रहे थे? हाँ मित्र। अच्छा वहां भी नहीं है। अच्छा एक काम करना मित्र, अगर सैयद तुम्हारे यहाँ आता या तुम्हारी बात होती है उससे तो तुम फौरन हमें बताना। हाँ अब्बू अमित के यहाँ भी नहीं है। ऐसे कहाँ जा सकते हैं? केतन से ना झगड़ा होने के बाद से उनका मूड बहुत खराब था। अम्मी अम्मी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डर क्यों रही है? सैयद मुड़ी है, वो वापिस आ जाएगा। हेलो साहब, साहब मैं दामोदर साहब, फैक्ट्री का वॉचमैन। सैयद साहब यहाँ पे खून में लथपथ पड़े साहब। क्या ए साहब, सब बस सब सही है साहब, सब सब देखिए साहब। उसने सैयद को धमकी दी थी,
कि अगर सैयद ने उसके पैसे वापस नहीं किए तो पता नहीं सैयद का कौन सा राज खोल देगा वो। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना वरना क्या? वरना तुम्हारा और तुम्हारी बीबी का राज सबको बता देंगे। किस राज की बात कर रहा था? हमें कुछ समझ ही नहीं आया। साहब, शाम को 5 बजे मिल बंद हो जाती है। मिल का ज्यादातर काम केतन साहब ही संभालते हैं, सैयद साहब तो कभी कभी आते हैं। कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं आप लोग? 12 से 1 फैक्ट्री में क्या कर रहे थे? ऐसा क्या काम आ गया? सैयद से कौन से राज फाश होने की बात कर रहे थे तुम लोग? मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना वरना क्या? वरना तुम्हारा और तुम्हारी बीबी का राज सबको बता देंगे। मुझे नहीं पता कि वो किस राज के बारे में बात कर रहे थे। मैं तो खुद सुन के हैरान थी। सच सच बताओ, सैयद को क्यों मारा? सर, हमने सैयद को नहीं मारा। हम दोनों फैक्ट्री गए थे, कुछ काम था, इसके लिए हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया। और राज की बात? सर, कोई राज नहीं, वो तो ऐसे ही हमने उसे डराने के लिए कहा था। पर मैंने उसे किसी से बात करते हुए सुना था कि ये बात मेरे परिवार वालों को नहीं पता चलनी चाहिए। देखो, ये बात मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकता। आप मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात तो समझो ना। पर वो बात क्या है वो हमें नहीं पता। सैयद का फोन रात के 8 बजे बंद हुआ था लालगंज एरिया के आसपास, और सैयद के ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उसका खून हुआ रात के 9 बजे के आसपास। लेकिन सर, केतन और दीना तो रात के 12 बजे आए थे फैक्ट्री में। सर, ऐसा भी तो हो सकता है मारा कहीं और हो और बॉडी डंप करने यहाँ फैक्ट्री में आए हो। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं अगर बॉडी मिल में मिलेगी तो सबसे पहले पूछताछ होगी सर। लेकिन सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सैयद के बारे में केतन ऐसा क्या जानता है जो हमसे शेयर नहीं करना चाह रहा। एक काम करो अंकिता, रुबैया से जाके दोबारा पूछताछ करो, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन निकले। ओके सर। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? अब्दुल बाबू, शाजिया भाभी हमें आपको कुछ बताना, आप यकीन नहीं करेंगे। क्या हुआ रुबैया, क्या हुआ बेटा? अम्मी, सैयद, सैयद जिंदा है। वो कल रात मुझसे मिलने आए थे। ऐसी बातें करके क्यों हमारा दिल जलाना चाहती हो रुबैया? रुबैया की बातों पर ध्यान मत दो, वो अभी होश में है। नहीं अबू, अबू मैं सच कह रही हूँ, सैयद जिंदा है, वो कल रात को मुझसे मिलने आए थे। हाँ हाँ बेटी, हाँ बच्ची, समझ रहा हूँ मैं, तो उसे बहुत प्यार करती थी इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, आप लोग मेरे बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? सैयद जिंदा है, मैं सच कह रही हूँ, मेरे सैयद जिंदा है। ना ही मैं झूठ बोल रही हूँ, ना ही मैं पागल हूँ मैडम, मेरे सैयद जिंदा है। वो रात को मुझसे मिलने आए थे और देखना आज भी आएंगे। आपको जल्दी मेरी बातों पे यकीन हो जाएगा, मेरे सैयद जिंदा है। अब मैं इसे कैसे यकीन दिलाऊं कि इसका सैयद अब इस दुनिया में नहीं? देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि पति के जाने का इन पर गहरा असर हुआ है। आप जल्दी इन्हें अच्छे से थेरेपिस्ट को दिखाइए। मेरे सैयद, क्यों कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा कि आप जिंदा है सैयद? कहीं ये मेरी कोई गलतफहमी तो नहीं? नहीं, मैंने महसूस किया है आपको। मुझे सबको साबित करना ही होगा कि आप जिंदा हैं। सैयद, तुम आ गए?
मम्मी समझा करो, हमको घर बेचना ही पड़ेगा। नहीं बेचेंगे ना तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। दुकान बंद हो गई है तो दूसरा काम कब मिलेगा उसको कुछ पता नहीं है। रुबैया का फोन है। हाँ रुबैया बोल मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? अम्मी मैं आप लोगों के यहाँ पे थोड़े दिन हरदोई रहना आना चाहती हूँ। यूनुस भाई को कहिए ना कि मुझे लेने आएंगे। हम नहीं जाएंगे, लखनऊ से वापस आने में पूरा दिन चला जाता है हमारा। कोई बात नहीं, मैं खुद ही आ जाऊंगी। आप बस यूनुस भाई को कहिए ना कि मुझे बस स्टॉप पे लेने आ जाए। मैं 10 बजे की बस पे बैठ के ना 12:30 बजे तक पहुंच जाऊंगी। हाँ बेटा लेने आ जाएगा। हाँ तू आ जा बेटा, चले जाना। ऐसे अचानक जाना है तुम्हें? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस मुझे मेरी अम्मी की याद आ रही है। मैं समझ सकती हूँ, अब्दुल मामू अभी आने ही वाले होंगे, वो तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं नहीं आप टेंशन ना लें, मैंने भाभी से कहकर कैब बुक करा दी है, मैं खुद ही चली जाऊंगी, खुद ही चली जाऊंगी। जरूरत ही कैसे यहाँ पे आने की? आ जाओ आ जाओ, हरदोई हरदोई हरदोई, चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। आराम से चले एक सेकंड, आगे आइए यहाँ बैठे। हाँ चलिए अंदर की तरफ। हाँ बैठ जाइए, मैं आपका सामान यहीं रख देता हूँ। ठीक है चलो भाई बैठ गए सब लोग, अपना अपना सामान रख लो ठीक से। ठीक हाँ हाँ आदाब गुलरेज बहन, रुबैया पहुंची क्या? हम लोग बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, उसका फोन बंद आ रहा है। मैंने यूनुस को भेजा है बस स्टॉप पे लेने के लिए, लेकिन उसे भी काफी वक्त हो गया है, हो सकता है बस छूट गई हो, दूसरी बस में हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो। आए तो फोन करवा देना। जी जरूर। अम्मी हमें रुबैया को अकेला भेजना ही नहीं चाहिए था। अम्मी हाँ? अरे हम तो कब से बस स्टॉप पे खड़े होकर रुबैया को ढूंढ रहे घंटों से, वो कहीं मिली नहीं, ना वो 10 बजे वाली बस में थी ना वो 2 बजे वाली बस में। अम्मी हमको लग रहा है रुबैया हरदोई पहुंची नहीं है। हाँ बोलो क्या? रुबैया मिसिंग, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? पता नहीं क्यों उसे यकीन था कि सैयद जिंदा है और वो उसे रात में मिलने आता है। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए मेरे पास आना चाहती थी ताकि उसके ससुराल वाले को ये ना लगे कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैंने कभी उसे ये सब नहीं कहा। अच्छा एक बात बताइए, सैयद और रुबैया के आपसी रिश्ते कैसे थे? मेरा मतलब है उन दोनों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था? सर दोनों के बीच के रिश्ते बड़े अजीब थे। सैयद रुबैया से हमेशा एक दूरी बनाए रखता था, कभी बात भी नहीं करता था उससे, पर रुबैया हमेशा कहती थी कि कमरे में वो बड़े प्यार से रहता है। सर
मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती थी। सर, रुबैया के घर वालों से बात करके मुझे समझ में आया कि सैयद और रुबैया के बीच रिश्ते सही नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कि सैयद के मर्डर के साथ रुबैया के गायब होने का कुछ तो कनेक्शन है। एक काम करो, रुबैया के कैब बुक करने से लेकर बस स्टॉप पहुंचने तक उसके सारे फुटस्टेप्स ट्रैक करो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स, कैब डिटेल्स, एवरीथिंग। सर एक और बात, रुबैया के गायब होने के बाद हरदुई से सिर्फ उसकी माँ आई, साथ में भाई यूनुस नहीं था। बहन गायब है और भाई को फिक्र तक नहीं। उठा के लेके आओ सर। यूनुस शेख, तो तुम्हें पूरा यकीन है हरदुई स्टेशन गए थे अपनी बहन रुबैया को लेने के लिए? सर मैं गया था सर, मैं बस स्टॉप पे पहुंच गया था, यही कोई 12-1 के करीब सर। मैंने तो अगली बस का भी इंतजार किया, अब मुझे लग रहा हूँ पहुंची नहीं स्टेशन पे। कैसे गए थे वहां पर? बाइक से गया था सर मैं। तुम्हारा जो हरदोई का घर है और बस स्टॉप है कितनी दूरी पे, तो किस रास्ते से गए थे? दूरी तो सर यही कोई 5-10 किलोमीटर की दूरी पे सर। और फिर आता है सबसे पहले राउदी चौक आता है, और फिर उसके बाद एक बड़ी सी बाजार आती है सर, उसके बाद बस स्टॉप। नहीं सर, उससे पहले ही एक बड़ा सा आम का बाग भी आता है, उसके बाद आता है 2 किलोमीटर की दूरी पे है बस स्टॉप। ठीक है जो, लेकिन जब भी बुलाएंगे वापस आना। क्या आ जाऊँगा सर। अंकिता, रुबैया के घर से लेके बस स्टॉप तक जितने भी होटल्स मोटल्स ढाबे हैं वहां पर जाकर पता करो, और रुबैया के सारे डिटेल्स जो है आसपास के पुलिस स्टेशन भेजो। रुबैया का फोन 8 बजे से एक्टिव था, पता करो किस किस से बात की है इसने। और ये रुबैया का भाई यूनुस, सितंबर 15 को 10 से 4 के बीच में इसने किस किस से बात की, किस किस के साथ मैसेजेस एक्सचेंज किए, पता करो सर। रुबैया को छोड़ने के 3 दिन के बाद तू काम पर लौटा, आता 3 दिन तक रुबैया कहां पर है? बोल कौन रुबैया? ये गांव गया था, बाप बीमार है, आप फोन करके पता कर लो। और रही इस लड़की की बात, मैंने उसको बस में छोड़ा, वो बस में बैठी और मैं वहां से चला गया। तूने उसे बस में बैठते हुए देखा था? साहब मैडम को दिखाई नहीं देता था, इसलिए वहां पे तब तक मैं रुका रहा जब तक वो बस में बैठ नहीं गई, वो खिड़की की तरफ बैठी थी। लेकिन साहब आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये सब? मैंने कुछ नहीं किया। हो सकता है तू कुछ नहीं जानता, लेकिन रुबैया तब से गायब हुई है जब से तेरी गाड़ी में बैठी है। सर इसके बाद भी मेरी बुकिंग थी, आप चेक कर लीजिए। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता ना, तेरी ये गाड़ी जो है ना हमारी कस्टडी में रहेगी। जा और शहर छोड़कर जाने की कोशिश मत करना, गाड़ी कस्टडी में। सर सर हमने लोकल पुलिस स्टेशन से पूछताछ की, लेकिन रुबैया अमीन ने किसी भी होटल में चेक इन नहीं किया है सर। सर हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया, और यहाँ तक मॉर्ग जाकर उसके कदकाठी के डेड बॉडीज भी चेक किए सर, लेकिन रुबैया का कहीं कुछ पता नहीं चला। तो आखिर ये रुबैया हरदोई बस स्टॉप से गई कहाँ? तुम्हें पूरा यकीन है ये वही लड़की है जो तुम्हारी बस में बैठी थी? हाँ साहब, उस दिन यही लड़की बस में बैठी थी, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो वो हरदोई पहुंची ही नहीं थी। तुम्हें पक्का याद है? हाँ साहब मुझे पूरा याद है साहब। वैसे आम पैसेंजरों का तो ध्यान नहीं रहता, लेकिन ये कुछ देख नहीं पाती थी, बल्कि साहब इसका सामान भी मैंने ही रखा था और इसे बिठाया भी मैंने ही था। अच्छा तो तुम्हारी बस हरदोई पहुंची, तो इस लड़की को उतरते हुए देखा था? साहब इतना तो याद नहीं है मुझे, लेकिन हाँ साहब हरदोई से पहले जब बस चाय पानी के लिए रुकी थी तो मैंने इसको उतरते हुए जरूर देखा था साहब। चलो भाई जिसको चाय वाय नाश्ता पानी करना है कर लो, बस सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकेगी। अच्छा इस लड़की को दोबारा बस पर चढ़ते हुए देखा था आपने? हाँ सर हमने देखा था। Are you sure? Sure. ठीक है आप जा सकते। इसका मतलब रुबैया हरदोई पहुंची लेकिन अपने घर तक नहीं पहुंची।
घर नहीं पहुंची मतलब रुबैया का भाई यूनुस नहीं तो कुछ झूठ बोलता है हाँ? तेरे कॉल रिकॉर्ड चेक किया हमने, तू हरदोई बस स्टॉप गया ही नहीं था, क्यों नहीं गया था? रुबैया को घर लाने क्यों नहीं गया था? डर गया था सर मैं, तो मेरी बीवी है ना बानो, रोज लड़ती थी रुबैया की वजह से, और इस बार उसने मुझे धमकी दी थी, बोला था कि अगर रुबैया घर में आई ना तो घर छोड़ के चली जाएगी, क्या करता सर मैं, नहीं गया फिर। सर, सर हमने रुबैया के ससुराल वाले की सीडीआर चेक की सर, उनमें से 15 सितंबर को सैयद का भाई जमी उसकी लोकेशन रुबैया के लोकेशन से मैच हो रही है। राजीव इस जमील को ढक ले क्या? हमने तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट्स चेक किए, तुमने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं बबल क्लब्स में किए। पहले हमें ये लगा कि शायद तुम हॉलिडे मनाने के लिए अपनी बीवी के साथ इस क्लब में जाते, लेकिन जब हमने क्लब में फोन किया तो पता चला तुम वहाँ अपनी बीवी के साथ नहीं बल्कि सैयद के साथ वहाँ जाते थे। तो चल क्या रहा था तुम्हारा सैयद? हाँ देख सच बता दे, एक ही फैमिली के 3 मेंबर्स के साथ हादसा हुआ है, कोई भी झूठ बहुत भारी पड़ेगा तुझे। सर मैं बाइसेक्सुअल और सैयद गे था, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और वो मुझे पैसे भी देता था, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन फिर पता नहीं एक दिन सैयद ने अचानक से आकर कहा कि वो दूसरी शादी कर रहा है और वो ये रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकता। सर वो क्लब में अकेले जाने लगा, लोगों से मिलने लगा, उन्हें डेट करने लगा, सर उसने मुझे पैसे भी देना बंद कर दिया, रोज ऑफिस में हमारे झगड़े होने लगे और हमारे डिफरेंसेस लोगों के सामने आने लगे, और ये सब देखकर मेरी पत्नी दीना वो मुझसे सवाल करने लगी थी, इसीलिए उसके लिए मैंने जानबूझकर सैयद को धमकाया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, सैयद की भी रुबैया वो उसके साथ 1 साल तक खुश कैसे थी और 1 साल तक सैयद का सच उसे कैसे नहीं पता चला? सर मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ बुशरा, बुशरा सर बुशरा सैयद की पहली पत्नी थी और वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, वो उसे डिवोर्स देना चाहती थी, लेकिन वो बोटिंग एक्सीडेंट में मारी गई। राजीव सर इस बुशरा के बारे में पता करो और बुशरा बोटिंग एक्सीडेंट के बारे में पता करो। जी सर, शिल्पा खत्री नाम की औरत आपसे नहीं आएगी। शिल्पा खत्री बर के नहीं आएगी। यस मिस खत्री बोली। सर वो शायद रुबैया दोबारा बस में चढ़ी ही नहीं थी। क्या? लेकिन पहले तो आपने कहा था आपने उसे बस पे चढ़ते हुए देखा था। सर जब हमने उसे देखा था ना तब हम थोड़ा नींद में थे, लेकिन कल हमें याद आया कि जो लड़की बस में चढ़ी थी उसके हाथ में वो छड़ी क्या बोलते हैं उसे, ब्लाइंड वॉकिंग स्टिक, हाँ वो नहीं थी। मिस्टर खत्री वो चाय की दुकान याद है जहाँ पर बस रुकी थी? हाँ सर देखा था इस लड़की को, यहाँ उधर बैठी थी सर। हाँ मैडम क्या लेंगे, चाय या ठंडा? भैया एक कप चाय दे दीजिए। तुम कह रहे हो एक आदमी आया था उससे मिलने के लिए, फोन पे उससे बात करवाई और लड़की उसके साथ चली गई। जी सर। उस आदमी की शक्ल याद है? नहीं सर शक्ल तो नहीं याद है, लेकिन हाँ सर उसकी काली काली दाढ़ी थी और यही यही बैठा हुआ था सर, और उधर दूर में एक ब्लू कलर की बहुत बड़ी गाड़ी थी सर, ये आदमी लड़की को गाड़ी में लेकर गया, उसमें 2 लोग बैठे हुए थे और गाड़ी चली गई सर। ठीक है थैंक यू। सर रुबैया जिसके भी साथ गई अपने भरोसे से गई है? नहीं उसने उस पर भरोसा नहीं किया जिसके साथ गई, उसने उस पर भरोसा किया जिससे उसने फोन पर बात की। वो हरदोई अपनी अम्मी के घर पहुंचना चाहती थी, अपनी अम्मी को शायद कुछ बताना चाहती थी लेकिन वो हरदोई पहुंच नहीं पाई। 15 सितंबर को जो ब्लू गाड़ी के बारे में बता रहा था ये, टोल प्लाजा जाके उसके बारे में पता करो। ये सच है अंकल, सैयद को लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ये बात सैयद की पहली पत्नी बुशरा को भी पता था। झूठ है ये सब, बुशरा सैयद के बच्चे की माँ बनने वाली थी, रुबैया और सैयद दोनों बहुत खुश थे, और आप कह रहे हैं कि उसे औरतों में
कोई कुछ भी कहेगा आप उसका विश्वास कर लेंगे? अरे वो हमारे घर का बच्चा था। इस बूढ़े ने दो दो जवान बेटे खोए हैं साहब। ऐसे वक्त में तो इस घर में इस तरह की बेहुदा बातें मत कीजिए आप। अरे कोई है जो हम सबको एक एक करके मारना चाहता है, उसे जाके ढूंढिए आप। पता नहीं हमारी बच्ची रुबैया किस हाल में है, पता नहीं वो जिंदा है भी कि नहीं। गुरुदपुर के टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज आ गया और फ्रंट सीट पर बैठे दो आदमियों का चेहरा दिख रहा है। कौन है ये लोग? गगन और बबन सर। सर ये दोनों हिस्ट्री शीटर्स हैं और फिरोजपुर के ब्रोथल से भी इनका कनेक्शन है। उस गाड़ी के बारे में पता चला? किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? जी सर, जमील। जमील यस सर। जी बोलिए। विक्टिम की मौत गला काटने से हुई है। बॉडी को 48 आवर्स हो चुका है और इसके साथ एक और जो लड़की की बॉडी आई थी जो बच गई, लेकिन दुख इस बात का ज्यादा है कि विक्टिम प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? शी वॉज 2 months प्रेग्नेंट। हियर। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसके पति को मरे हुए तो 3 महीने हो चुके। सैयद जिंदा है, वो कल रात को मुझसे मिलने आए थे। कहीं वो रुबैया के अंधेपन का फायदा तो नहीं उठा रहा था? हाँ बोलो सर। जमील के आदमी बब्बन और गगन का पता चल गया है। उन दोनों की लोकेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की है जहाँ आयशा का इलाज चल रहा है। कोटा किसका है? कोटा किसका है? बोल। कोटा जमील भाई और लाला का है। लाला कौन? लाला कौन? लाला बोल। लाला यानी अब्दुल मामू का। लेकिन अब्दुल तो रुबैया को अपनी बेटी मानता था और जमील और सैयद उसके अपने भांजे थे। वो अपने अपनी बहन के बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? गर्दन पर गोली लगी है, हॉस्पिटल लेके जाओ सर। लेकिन अब्दुल ये सब करेगा ही क्यों? और इन सब में जमील कैसे फंस गया? क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजीब पहेली है। सैयद की पहली बीवी बुशरा, वो भी प्रेग्नेंट थी सर, और उसकी मौत बोटिंग एक्सीडेंट में हुई थी। सबका जवाब हमें इस आर में मिलेगा सर। सन 2020 में भी भूषण अमीन ने अपने पति और ससुर के खिलाफ रिपोर्ट लगाई थी। ये देखिए रिपोर्ट। सैयद के खिलाफ तो कंप्लेन समझ में आती है, लेकिन तौफीक अमीन के खिलाफ? जमील, अब्दुल और हमीदा, तुम लोग तो सिर्फ प्यादे हो, असली वजीर तो आप। 2020 में सैयद की पहली बीवी बुशरा, वो उसे छोड़कर हरियाणा जा रही थी, वो प्रेग्नेंट थी। कैसे? मैं नहीं चाहता था कि हमारे परिवार की सच्चाई बाहर वालों को पता चले। हमारे अपने खून, हमारे अपने छोटे बेटे सैयद को लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं चाहता था कि वो एक अच्छी सी लड़की के साथ निकाह करके इज्जतदार जिंदगी बसर करे, इसलिए मैंने बुशरा के साथ उसका निकाह करवाया। लेकिन नहीं, सैयद का दिमाग नहीं बदला और एक दिन जिस बात का डर था वही हुआ। बुशरा को सच्चाई पता चल गई, उसने ठान लिया कि दुनिया को वो सच्चाई बता देगी। मैं कैसे होने देता ये सब? अबू, अबू मुझे मेरे भाई से बात करनी है, मैं घर चली जाऊंगी। अबू खुदा के नाम मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ताकि तू हमारे खानदान का नाम बदनाम कर सके, पर मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू यहाँ से जाने लायक नहीं रहेगी। लेकिन अचानक एक दिन वो भाग गई और वहां जाकर उसने मेरे और सैयद के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दी।
इसलिए बुसरा को तो रास्ते से हटाना ही था। उसके बाद हम दोनों ने जैसे तैसे सैयद को दूसरे निकाह के लिए मनाया। रुबैया हमारे परिवार के लिए एकदम सही थी, वो देख नहीं सकती थी। सैयद रात को घर में होता नहीं था, हम सैयद का इत्र लगाकर रुबैया के कमरे में जाता था। रुबैया को कोई शक नहीं होता था, वो सिर्फ इतना पूछती थी, सैयद तुम आ गए? अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जो भी सही था वो मैंने किया। लेकिन अपने बेटे सैयद को क्यों मारा? एक दिन उसके दिमाग में भी फितूर चढ़ गया। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि मुझे लड़के या नहीं लड़के पसंद है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखो, आप उस लड़की के साथ जो करना चाहते हो आप करो, उससे निकाह करनी है, उसके साथ सोना है, उसके साथ घूमने फिरना जाना है, जो करना है करो, लेकिन मुझे अपनी सच्चाई के साथ जीना है और मैं अपनी सच्चाई सबको बता के रहूंगा। सिंपल है। और मैंने अब्दुल से सैयद को मरवा दिया, और सैयद के मरने के बाद भी मैं ही था वो जिसे वो सैयद समझ रही थी। उसके बाद मैंने जमील को रुबैया के पीछे लगा दिया। हमारे अब्बू ने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है रुबैया। अच्छा रुबैया, तुम हमारे साथ चलो, बस में जाना तुम्हारी जान के लिए खतरा है। और ये अब्दुल मामू भी तुमसे बात करना चाह रहे थे। हेलो मामू, मामू अब्बू। अब बेटा, तौफीक ने तुम्हारे साथ इतनी जलील हरकत की, मुझे पता चल गया है। तुम एक काम करो, जमील के साथ यहाँ चले आओ। ठीक है। और अब्दुल से कहा कि रुबैया को भी मार दो। मैंने जो कुछ भी किया अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया। तूने ये जो कुछ भी किया है ना, अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया कि तुम बहुत ही घटिया इंसान है। अपने बेटे की दोनों बीवियों का रेप किया है और मर्डर किया तूने। अब अपनी ये इज्जत लेकर सारी जिंदगी ना जेल में सड़ना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.